रहमान रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, दुनिया भर में तवानाई को बेहतर से बेहतर तरीके से हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए लोग ढूंढ रहे हैं और दुनिया भर में उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें हवाओं से बिजली पैदा करना, पानी से बिजली पैदा करना और सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक जो उनके ज़रूरत है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है, साला साल से चल रहा है। पाकिस्तान में भी तेज़ी आनी इसमें शुरू हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सोलर पर ड्यूटी की शरह 0% कर दी गई है, जिसके बाइस सोलर के रेट आसमान से ज़मीन की तरफ आ गए। ये महावरतन नहीं कह रहा मैं, बल्कि हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि सोलर के रेट, सोलर प्लेट्स हों, सोलर के दीगर आइटम्स हों, लेकिन ख़ास तौर पर प्लेट्स है, उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया, वो काफ़ी रेट नीचे आ गए। एक दो चीज़ों के अलावा अब जो कि उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में उसके रेट भी नीचे की तरफ आ जाएंगे। मजमूई तौर पर सोलर के रेट नीचे आ गए। आप इस तरह मोटे से अल्फाज में समझ लें कि अगर आप एक 5 kV का सिस्टम अपने घर पे लगाते थे तो वो 12 से 15 लाख रुपए में लगता था, और जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 7 से 8 लाख रुपए में 50% कम हो गए। उसकी वजह मैंने आपको बताया, प्लेट्स के रेट, तो एक प्लेट जो है वो आप ये समझ लीजिए कि किसी वक्त वो 80,000 रुपए के करीब थी, जो आज गिर कर 20 से 25,000 के दरमियान आ गई है। ये भी बड़ी वाली, तो अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लेंगे अच्छी ब्रांड में तो रेट आ गया। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि भेड़ चाल हमारे मुल्क में, जैसे मैं आपको मोबाइल की स्टोरी देता रहता हूँ, भेड़ चाल हमारी है कि मंगवा लो बस, ये ना जीते मैं जीत लूँ, मैं ज़्यादा माल मंगवा लूँ, और इसकी वजह से सबों ने कंटेनर बेतहाशा मंगवा लिए और रेट उसके नीचे 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 नीचे, और आज पोजीशन ये है कि जितने में चाइना में पड़ रहा है, यानी चाइना में आप ख़रीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, और इस पाकिस्तान के शहर ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपको कराची से, यहाँ आप ढूँढेंगे तो आपको कंपटीशन में सस्ता मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने यहाँ जो सोलर प्लेट्स और दीगर मामलात के लिए इंडस्ट्रियल फ्री लगाने की इजाज़त दी थी और उस पर टैक्स भी नहीं था, तो जब वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने तहकीक की कि भाई ये यहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जो पहले लगा हुआ था उससे हटके अब नए क्यों नहीं प्लेयर आ रहे हैं इसमें, तो पता ये चला कि क्योंकि सोलर पे ड्यूटी नहीं है, बाहर से मंगवा के वो मंगवा लिया जाता है, यहाँ फैक्ट्री लगेगी, लेबर चार्जेस हमारे यहाँ और चाइना में फ़र्क ये है, चाइना में बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ खाने का एक टाइम है और 2 टाइम में आप बाथरूम वगैरह कहीं जा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, यानी काम, जब काम का टाइम है तो काम करना है। हमारे यहाँ माशाल्लाह आपको पता है, बहुत सारे दोस्त हमारे आराम भी करते हैं, नमाज भी याद आती है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उसमें खाना पीना भी होता है, पेशाब भी आता है, लेट्रिन भी जाना होता है, तो उससे टाइम, ये खपत पूरे होने का, इससे खलल पड़ने का अंदेशा होता है। मंगवा के लगाने का इंडस्ट्री को बज़ाहिर अभी कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वहाँ ड्यूटी है, जब इस पर पड़ेगी तो यहाँ से माल जो तैयार होगा उसको यहाँ बेचने में फ़ायदा होगा। तो ये पोजीशन चल रही है इस वक्त, और बहुत तेज़ी से आप जिस तरह बिजली के रेट आसमान पे पहुँच रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी के तौर पे एक छोटा घराना, एक प्लेट और एक सिस्टम लगा के वो 1 लाख रुपए खर्च करता है, तो 1-2 पंखे 2-4 लाइटें अपने ज़रूरियात को इस्तेमाल कर लेता है, और जो छोटा कम से कम बिजली इस्तेमाल करना वाला जो बंदा है, वो आजकल बिल उसके भी हज़ारों में आ रहे हैं। और ये तो आपको इलम ही होगा कि कमर्शियल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली के मीटर, उनमें 1,000 रुपये तो फिक्स कर दिया गया है, अलावा दीगर टैक्सों के, ये नया फटा 1,000 रुपये का आ गया है। आप बिल में पलट के देखेंगे तो सबसे ऊपर 1,000 रुपये लिखा होगा।
बताने का मतलब ये है कि आगे आए, फ्रंट फुट पर आए और अपने घरों को सोलर की तरफ शिफ्ट करें ताकि बिजली की बचत भी हो सके। बिजली की बचत का तो मैटर इस तरह, हमारे यहाँ बिजली जो है वो जो इस वक्त खपत हो रही है, पैदावार हो रही है, इत्तला के मुताबिक उसकी पोजीशन 41,000 तक हमारे पास गुंजाइश है पैदा करने की। लेकिन उसके लिए जो मटेरियल है, जो लाइनें हैं, वो इस काबिल नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त 24,000 मेगावाट बिजली टोटल चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा जो हमारे पास गुंजाइश है वो पैदा कर सकते हैं, जो लोगों से, आईपीपी से और दीगर लोगों से आ रही है, सोलर से आ रही हैं, दीगर से। लेकिन सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और महंगी बिजली लेने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए, सोलर की तरफ आप कब जाते हैं? इस सोलर सिस्टम के बायस जो टॉप 5 इम्पोर्टर हैं, उनके मैं जुमला तो गैर मुनासिब है कि उनके विचारों के दिवालिए की पोजीशन हो गई, करोड़ों के झटके लगे हैं एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को। बड़े मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंडस्ट्री से भी उनका एक का तो वास्ता है, उसको भी ठीक ठाक करोड़ों का फटका लगा है। तो जो शुरू में थे, बड़ा मारूफ नाम है, उन्होंने कमा लिए, बाकी दुआ कर रहे हैं लोग। इजाज़त चाहता हूँ बहुत सारी खबरें देने के लिए, अपील है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।